हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? देख रहे हैं टेक्निकल स्मार्ट एडवाइज यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ रहे हो कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो है सीएससी जो है कॉमन सर्विस सेंटर जो है पोर्टल के बारे में जो है, ठीक है। क्योंकि एक भाई ने मुझे, जैसे कि मैं स्क्रीनशॉट लगा दिया, मुझे कमेंट किया था जो है कि वो जो है मतलब कि अपने सीएससी पोर्टल को जैसे क्रोम में जो है लॉगिन कर रहे हैं जो है, तो ओटीपी आने के बाद जो है लॉग आउट हो जा रहा है, ठीक है, ऑटोमेटिक जो है, ठीक है, बाहर निकल जा रहा है जो लॉग इन करने पर, ओटीपी आने के बाद, ठीक है। तो जैसे कि मैंने इसके बारे में जानकारी इकट्ठा किया, पता लगाया है जो है कि क्यों हो रहा है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपको जो है बताने वाला हूँ जो किस तरह से मतलब कि क्या प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं जो है, ठीक है। जैसे कि आपका सीएससी पोर्टल पर जब आप लॉग इन करते हैं जो है, तो ऑटोमेटिक जो है लॉग आउट जो है ना हो जाए, ठीक है। आप जब लॉग आउट करेंगे तभी हो जाए, ठीक है। क्या समस्या? बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम है जो है, उसको आप जो है फटाफट चुटकियों में सही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं, फटाफट इसके बारे में हम जान लेते हैं जो, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, दबा के बगल में आपको घंटी का बटन दिखाई, वहां पर दबाकर ऑल पर जो है दबा दीजिए, ठीक है। इससे ये होगा कि मैं कोई भी यहाँ वीडियो अपलोड करूँ तो उसका मैसेज पहुंच पाएगा, वीडियो को सबसे पहले आप जो है देख पाएंगे, ठीक है। चलिए फटाफट मैं आपको जो है अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूँ जो, ठीक है। और आप मोबाइल से इस्तेमाल करते हैं जो है, तो मोबाइल पे भी देख कर सकते हैं, और कंप्यूटर पे इस्तेमाल करते हैं तो कंप्यूटर पे भी जो है कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। कि मैं आपको जो है अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप सिस्टम पर आ गया हूँ जो, ठीक है। तो अगर आप जो है कंप्यूटर पर इस्तेमाल करते हैं इसको जो है कि मोबाइल पर इस्तेमाल करते हैं जो, ठीक है, मैं दोनों के लिए आपके बारे में बताता हूँ कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे क्रोम को ओपन कर लिया जो, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है जो है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप क्रोम में यहाँ पे थ्री डॉट पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, आप हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हिस्ट्री पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद से देखिए यहाँ पे क्लियर ब्राउजिंग डाटा आएगा, इस पर क्लिक करेंगे जो है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बेसिक ये आप जो है यहाँ पे ये ऑल टाइम सेलेक्ट कर देंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप जो है ये डाटा को क्लियर कर देंगे जो, ठीक है। डाटा जो है ये देखिए फटाफट जो है क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो गया जो है, ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है जो है आरडी मोरफो सर्विस, यहाँ पे आपको जो है टाइप करना है जो, ठीक है। तो देखिए आपके सामने जो है ये आरडी मोरफो ऑनलाइन जो है ये खुल जाएगा जो, ठीक है, वेबसाइट जो है, ठीक है, याद कर लीजिए आरडी सर्विस ऑनलाइन मोरफो जो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रिन्यूड आरडी सर्विस देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो है, देखिए यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे द करेंटली डिप्लॉयड यू आई डी आई ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट विंडो एंड्रॉयड ऑन प्रोडक्शन एंड प्री प्रोडक्शन इन्वायरमेंट हैज बीन एक्सपायर्ड ऑन 21 अक्टूबर 2022 से 23 अक्टूबर 2022, ठीक है। मतलब आप पुराना वर्जन का सॉफ्टवेयर आप जैसे कि मोर्फो का इस्तेमाल कर रहे हैं जो है, ठीक है। तो देखिए ये जो है ये एक्सपायर हो चुका है जो, तो काइंडली देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अनइंस्टॉल ओल्डर आरडी सर्विस वर्जन एंड इंस्टॉल न्यू वर्जन, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे विंडो के लिए देखिए ये वर्जन दिया हुआ है, एंड्रॉयड के लिए वर्जन दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद से जो है, ठीक है, और आगे पढ़ लेते हैं। असैप एज इट इज अ मैंडेटरी अपडेट एन यूर डे एंड मे स्टॉप सपोर्टिंग ओल्डर ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट एट एनी पॉइंट जो है, ठीक है। देखिए ये लिखा हुआ है काम नहीं करेगा जो है, ऑथेंटिकेशन ट्रांजेक्शन विथ ओल्ड आरडी सर्विस वर्जन एक्सेप्ट आरडी इतना 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 एंड्रॉयड इतना, क्लिक हियर टू अनइंस्टॉल ओल्ड आरडी एंड इंस्टॉल न्यू आरडी जो, ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको। तो फिर यहाँ देखिए यहाँ पर डाउनलोड लिखा हुआ है जो, ठीक है, डाउनलोड लिखा हुआ है। तो इसको आपको तो देखिए यहाँ पे जो है ध्यान से देखिएगा, वीडियो पूरा छोड़ के मत जाइएगा तो फिर बाद में परेशान हो जाएगी, फिर ये मत कहिएगा कि जो है कि काम नहीं किया जाए, ठीक है। देखिए इसको यहाँ से आप जो है जैसे कि ये एंड्रॉयड वर्जन है, ये जो है विंडो वर्जन है जो है, ठीक है। तो इसको यहाँ से क्लिक करेंगे जो है ये, तो ये जो है डाउनलोड हो जाएगा जो है, ठीक है, ठीक है। देखिए ये विनरार फाइल में जो है डाउनलोड हो जाएगा जो है, ठीक है। तो इसको जो है देखिए मैं यहाँ पे शो इन फोल्डर क्लिक करता हूँ जो है, ठीक है। तो देखिए मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ध्यान रखिए, थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ जो, देखिए ठीक है, ये डाउनलोड पर क्लिक करेंगे जो है, ठीक है। देखिए यहाँ पे
ये फाइल जो देखिए डाउनलोड हो गया, विंडो विन आर डी सर्विस, ठीक है। इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, जो देखिए ये एक्सट्रैक्ट हेयर जो है, ठीक है। अब जैसे कि देखिए आपको ये एक और चीज़ है, हो सकता है कि आपके पास ये हो, जैसे कि इस तरह का आपके पास हो सकता है ना दिखाए, इस तरह का फोल्डर दिखाए, तो आपको क्या करना है जो है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्रोम पे चले जाना है, यहाँ पर जो क्रोम को, उसके बाद यहाँ से यहाँ पे विनरार डाउनलोड यहाँ पे, ठीक है, क्लिक करेंगे फ्री एंड सपोर्ट जो है, ठीक है। देखिए तो यहाँ से आप जो है डाउनलोड विनरार जो है, ठीक है, यहाँ से आप यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेंगे सॉफ्टवेयर को जो है, ठीक है। क्योंकि वो मोर्फो का जो मतलब कि जो सॉफ्टवेयर है, वो जो मतलब कि ये विनरार फाइल ही में जो है मतलब कि है जो है, तो इसको इंस्टॉल कर लेंगे जो है। अपने कंप्यूटर बाय नहीं करना है आपको, फ्री वर्जन डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। क्योंकि कुछ दिनों के लिए आप जो है फ्री वर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया जो है। अब करने के बाद देखिए यहाँ से आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से इस पर राइट क्लिक करेंगे जो माउस रख के जो है, तो देखिए यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हियर जो है, ठीक है। देखिए एक्सट्रैक्ट होकर जो ये फाइल जो है आपका जो है, देखिए ये आ जाएगा यहाँ से जो है, ठीक है। देखिए सेटअप है जो है, ठीक है। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। और इंस्टॉल करने से पहले आपको एक बात ध्यान देना है, आपको चीज़ों में बता देता हूँ आपको जो है। आपको अपने सिस्टम के यहाँ पे कंट्रोल पैनल में चले जाना है जो, ठीक है। वीडियो ऊपर देखिए छोड़ चले मैं वीडियो में, फिर बाद में जैसे कि मैं बोला जो है, यहाँ पर आपको जो है मतलब कि वो अपने पुराना जो ओल्ड वर्जन वाला जो मोर्फी का जितने भी मतलब कि उसमें ऐप आपने सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड किया, यहाँ पे इंस्टॉल होगा जो है, उसको यहाँ से अनइंस्टॉल कर देना है जो है, ठीक है। यहाँ से अनइंस्टॉल कर देंगे जो है, ठीक है। उसके बाद से आपको जो है, देखा भाई एक बार एक और चीज़ करना है, यहाँ पे सी ड्राइव में चले जाएंगे, इसको ओपन करेंगे जो है, तो यहाँ पर भी आपको दो तीन फाइल दिखाई देगा आपको जो है मोर्फी का जो है, ठीक है। उस तीनों को सेलेक्ट करके आपको डिलीट कर देना है जो है, ठीक है। डिलीट करने के बाद जो है मतलब कि फिर उसके बाद ये जो यहाँ पे आपने जो मतलब कि एक्सट्रैक्ट करके फाइल जो आपको मिला है ये वाला जो है, ठीक है, सेटअप इसका जो है, इसको सेटअप आप रन करा देंगे जो है, ठीक है। रन करा के जो है करेंगे जो है फिर, ठीक है, तो ये आपका जो है लॉगआउट जो है नहीं होगा जो है, ठीक है। आप फिर से लॉग इन करके आप जो है काम कर पाएंगे जो है, ठीक है। तो यही है, यही प्रॉब्लम है जो है, ठीक है, पुराना वर्जन वाला, और जो है ये क्रोम क्लियर करके, ठीक है। चलिए आज का वीडियो यहीं तक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ एक एक पॉइंट समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई समझ में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं आपको जवाब जो है दूंगा जो है, ठीक है। चलिए आज का वीडियो यहीं तक, फिर एक और मजेदार वीडियो के साथ मिलेंगे। चलिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।